दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदू धर्म में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम व श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। नवरात्रि में कई तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा मान्यता यह है कि नवरात्रि में कुछ खास तरह के पेड़ पौधों को लगाना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में यह पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं, नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको घर में कौन से पेड़ पौधे लगा लेने चाहिए जिससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। नंबर एक, तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में इसे नवरात्रि में लगाना और भी शुभ व फलदायी माना जाता है। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है व घर में सुख समृद्धि आती है और पैसों से जुड़ी सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर दो, केले का पौधा। कहा जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में यदि आप इसे नवरात्रि के दिनों में घर में लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे, साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा व आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर तीन, शंख पुष्पी का पौधा। शंख पुष्पी के पौधे को बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि के दिनों में घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है। यदि आप इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन लगाते हैं तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी, साथ ही आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नंबर चार, हर श्रृंगार का पौधा। नवरात्रि के दिनों में हर श्रृंगार का पौधा लगाना भी लाभदायक माना जाता है। इसे भी घर में लगाना शुभ माना जाता है। स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनने के बाद इस पौधे को लगाना चाहिए। इसे लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। नंबर पाँच, शमी का पौधा। घर में मंगल और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के दौरान घर में शमी का पौधा जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार शमी वृक्ष को मुख्य दरवाजे की बाई तरफ लगाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि शमी के पौधे के सामने नियमित सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इसी तरह की धार्मिक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।